हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वॉइस इज क्लियर नाउ? ओके ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए, टुडेज टॉपिक इज इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, समानता एवं असमानता। जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो वैल्यू जान लेना है। तो इसका वैल्यू कितना है भाई? 5 मार्क्स है ना। इसका वैल्यू कितना है भाई? 5 मार्क्स। ठीक। अभी इनइक्वालिटी होता क्या है? तो आपके वो मेनली साइन बेस्ड टॉपिक है। कौन सा साइन है भाई? ये ग्रेटर देन। कौन सा साइन? लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ये इक्वल टू। टोटल 5 साइन है भाई, है ना। लेकिन ये एक्चुअल में है 3 ही। व्हाई? बिकॉज ये दोनों एक ही काम करते हैं। ये इधर की चीज को ग्रेटर, जस्ट ऑपोजिट लेस बताता है। सेम इसका भी वही काम है, एक तरफ की चीज को ग्रेटर तो जस्ट ऑपोजिट लेस देन बताता है। ये दोनों भी वैसे ही, इधर ग्रेटर या इक्वल और जस्ट ऑपोजिट लेस देन और इक्वल टू। सेम ये भी वही काम, इधर ग्रेटर और इक्वल टू, जस्ट ऑपोजिट लेस देन और इक्वल टू, और ये इक्वल टू। इसको क्या कहेंगे अपन? 100। इसको क्या कहेंगे? 50। और ये साइन 0। याद रहेगा 100 50 0। नाम बदल दिए भाई इनके थोड़ी देर के लिए। ओके, चलिए। अब क्वेश्चन क्या होता है? आपके सामने स्टेटमेंट गिवन रहता है। मान लीजिए स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन ई लेस देन इक्वल टू एफ दिया हुआ है भाई, है ना। अब नीचे कंक्लूजन पूछेगा। मान लीजिए पहला कंक्लूजन पूछता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, दूसरा दिया है ए ग्रेटर देन डी, तीसरा दिया है ए इक्वल टू डी, है ना। आपको ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को देख के बताना होता है कि नीचे दिया गया कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा नहीं। आपने करना क्या है भाई? देख के बताना है ना। स्टेटमेंट को देख के बताना है कि नीचे दिया गया कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं। क्या बता सकते हैं अभी? चले, मैसेज के थ्रू बताना शुरू करेंगे अपन। प्रांजलि सेकेंड, अर्चना टू, चलिए मेरी बारी आ गई भाई। ज्यादातर लोगों ने आंसर किया 2 वाला, है ना। अब करना कैसे होता है? जो भी नए लोग जुड़े हैं वो ध्यान से देखेंगे कि जिन दो एलिमेंट्स की बात हुई है उनके ऊपर चले जाएंगे। ए से डी की बात हुई उसके ऊपर चले गए। अब ए से डी के बीच में साइन कितने हैं टोटल? तो आप देखेंगे कि इनके बीच में टोटल साइन है, देखिए 1 2 3, कौन कौन से हैं? 100 है ना। अब यहां से नाम पढ़ेंगे उनका, एक 100 है, ये देखिए 100 का साइन है, ठीक। ये नाम दिया था ना इसको 100। फिर एक 50 का भी है और एक 0 का भी है ना। यहाँ से नाम दिया था भाई इनको। अब 100 भी है, 50 भी है और 0 भी है। अब मेरी बात को एक बहुत ध्यान से सुन लेंगे कि जब तक हमसे सबसे बड़ा वाला साइन उनके बीच का नहीं पूछा जाएगा, हम उसे कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे यहां पूछा ए 50 डी, क्या ए और डी के बीच में 50 सबसे बड़ा है? 50 से बड़ा अवेलेबल है ना 100, तो 50 कभी भी फॉलो नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जब तक उनके बीच का, है ना, जिन दो एलिमेंट्स की बात हुई है उनके बीच का सबसे बड़ा साइन हमसे नहीं पूछा जाएगा, हम उसे कभी भी ट्रू नहीं करेंगे। उसे क्या कर देंगे हम? फॉल्स। बात करें नंबर 2 की, ए से डी की भी बात हुई है, चले गए उनके बीच का सबसे बड़ा साइन 100 था, क्या 100 ही पूछा है? हाँ 100 ही पूछा है। अब ये क्या हो जाएगा? ट्रू, दैट्स ट्रू। नंबर 3 की बात करें, ए 0 डी पूछा है, 0 से बड़े तो दो दो मौजूद है, 50 भी है 100 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? सीधा फॉल्स। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा भाई, है ना। बहुत ही आसान रहता है, आगे बढ़ सकते हैं भाई, है ना। चलिए भाई, हाँ बहुत बढ़िया, थम्स अप दिखा दिया करें तो समझ में आ जाता है कि हाँ सभी को समझ में आ गया है, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं।
ओके है ना। चलिए अब आपको वहां जो ऑप्शन के थ्रू आंसर देना होता है तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन के यहाँ दिख जाएंगे। हाँ जी ये देखिए, ठीक है ना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, ये देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है और आपसे नीचे कंक्लूजन पूछा गया है और आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन के थ्रू कि कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। तो जो अभी पढ़ाया है सेम वैसे ही इनको जरा कंक्लूजन को लगा दीजिए, आप देखते हैं कितनों के आंसर सही आते हैं। भाई फटाफट मैसेज बताएंगे सब। सरोजनी ए, प्रज्ञा ए, प्रांजलि ए, सोनम ए, अर्चना ए, चलिए है ना, बहुत सारे लोगों के ऑप्शन आए। मेरी बारी आ गई, मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कंफ्यूजन में बात हुई है वी और पी की, तो चले जाएंगे भाई वी से पी के बीच में, ठीक। वी ग्रेटर देन पी बोला, अब देखिए दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, वी और पी के बीच में दो साइन एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं, ठीक। नई चीज है, फिर से सीख लेंगे जिन लोगों ने नहीं आता है। यदि उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जिनकी बात हुई है उनके बीच में दो साइन एक दूसरे के अपोजिट लाइक दैट दिख रहे हैं, ये भी अपोजिट कहलाएगा, ये भी अपोजिट कहलाएगा, ऐसा भी, ये सब क्या है भाई, अपोजिट साइन है ना, मतलब दो उल्टा मुंह किए हुए दिखाई दिए और आंख बंद करो आप भी उड़ा दो, वो जिंदगी में ट्रू नहीं होगा, है ना। ध्यान से सुन लेंगे भाई कि जिन दो एलिमेंट्स के बीच में यदि दो अपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं है ना, उनके बीच में आप कुछ भी आंसर नहीं दे सकते, नहीं दे सकते क्या मतलब उसे क्या कर दोगे आप, फॉल्स, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा वो। सेकेंड वन की बात करें, डब्ल्यू से एस जाना है भाई, डब्ल्यू से एस के बीच में गए अपोजिट साइन तो नहीं है, मतलब आंसर आ सकता है। अब 100 का साइन पूछा है वो भी एस के लिए, तो ये देखिए ये साइन अकेला काफी है एस को ग्रेटर बताने के लिए, ये क्या हो जाएगा भाई, है ना, और आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ओनली कंफ्यूजन सेकंड इज ट्रू, केवल कंफ्यूजन सेकंड फॉलो करता है और कोई भी नहीं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा भाई, बिल्कुल इजी है, आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर टू इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट आंसर वाया मैसेज। ओके, सबसे तेज आंसर किया है आकांक्षा ने डी, सरोजनी डी, एजे डी, सोनम डी, प्रज्ञा डी, साक्षी भी डी, चलेगा भाई। ओके कंक्लूजन, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए से बी चलेगा, है ना, कंफ्यूजन नंबर पहला ए से बी की बात हुई है, चलेगा भाई, कितने साइन है, तीन, है ना, कोई अपोजिट साइन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, आंसर आ सकता है बी, ये भी 50 का साइन, ये भी 50, 100 का कोई साइन है ही नहीं, मतलब यहाँ 100 भी सही नहीं होगा और सबसे बड़ा साइन यहाँ क्या है, 50, क्या 50 यहाँ ट्रू हो जाएगा, जी बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे बड़ा साइन है और वही पूछा गया है। मैंने क्या कहा था कि जिन दो एलिमेंट्स के बीच में जो भी सबसे बड़ा साइन है जब तक वो नहीं पूछा जाता ट्रू नहीं होगा, तो यहाँ जो सबसे बड़ा साइन था वही पूछा गया है और ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू। नंबर सेकंड है ई ग्रेटर देन डब्ल्यू, ई से डब्ल्यू, ई कहाँ है भाई ये, डब्ल्यू कहाँ है भाई ये, है ना, तो क्या दो साइन अपोजिट दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, ये देखिए और ये देखिए, जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो आंसर क्या जाएगा भाई, ओनली फर्स्ट, कहाँ दिया भाई, ये दिया, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, जिन लोगों ने भी डी लगाया था बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, आगे बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थ्री इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट।
सरोजनी ई, साक्षी डी। अलग अलग दो ऑप्शन भाई, दो लोग भिड़ गए आपस में। आप अर्चना, प्रज्ञा, प्रिया, सभी का ई है। किसी एक का तो रॉन्ग होगा भाई इस बार। सोनम डी, ज्यादातर लोगों का ई है लेकिन दो लोगों ने डी ऑप्शन चूज किया है भाई। बहुत अच्छे भाई, ऐसे में मुझे भी मजा आता है जब अलग अलग आंसर आए, है ना भाई। बाकी लोग भाई डू फास्ट। चले, मेरी बारी आ गई। देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी पार्टी हारी है। स्टेटमेंट दिख रहा है भाई हमें, कंफ्यूजन भी दिख रहा है। तो सबसे पहले बात की गई है कंफ्यूजन में आर और डी की, तो चले जाते हैं भाई आर से डी पे। ओके, अपोजिट साइन नहीं है मतलब आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ दो दो 100 के साइन अवेलेबल हैं और यहाँ 50 पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स है ना। पहला हो गया फॉल्स, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने डी ऑप्शन लगाया था, दो लोगों ने, तो क्यों गलत हुआ दोबारा समझेंगे। ये 50 का साइन पूछा गया है, जबकि उनसे बड़े साइन ये वाले, ये बड़ा साइन यदि अवेलेबल है तो छोटा वाला कभी भी ट्रू नहीं होगा, याद रखिएगा भाई। जिन दो लोगों ने डी ऑप्शन लगाया वो यही उड़ गए भाई, है ना, फॉल्स हो गया उनका। फिर दूसरा, ओ ग्रेटर देन एच, दो साइन अपोजिट दिख गए भाई, ओ से एच के बीच में कुछ नहीं किया जा सकता, सीधा फॉल्स, सीधा फॉल्स। यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही। क्लियर भाई? ओके, समझ में आया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीट। नाउ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, शुरू हो जाए भाई सभी तेजी से। ओके, प्रज्ञा डी, अर्चना डी, साक्षी डी, प्रांजलि डी, आकांक्षा भी डी। ओके, सभी के आंसर एक ही जैसे आ रहे हैं लगातार, फटाफट चेक कर सकते हैं। अभी देखिए कॉमा है, कॉमा फर्स्ट टाइम आया भाई, तो फटाफट सॉल्व कर दें, जरा कॉमा हटाते कैसे देख लेंगे भाई। आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, इक्वल टू एल, लेस देन सी। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो एल कॉमन दिख रहा है, एल से क्या बनता है भाई, एल लेस देन इक्वल टू ई, फिर ई लेस देन एक्स, फिर एक्स इक्वल टू डब्ल्यू, है ना, फिर एक्स ग्रेटर देन टी, एक्स ग्रेटर देन टी। ओके, ये क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल ट्रू। क्यों? क्योंकि एक्स से टी पे जब आप जाओगे तो यहां देखते हो आप, ये 100 का साइन, ये 50 का साइन और 0 का, और सबसे बड़ा वाला पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू, ठीक है। दूसरा, आर ग्रेटर देन डब्ल्यू, आर से डब्ल्यू पे जब आप जाते हो तो आपके सामने दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिखते हैं, और जैसे ही अपोजिट दिखे तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स, ठीक। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर? चलेगा, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तेजी से करें भाई, आई एम वेटिंग। ओके, लाइन से कई आंसर आ गए भाई। सरोजनी है जी, सभी का है ऑप्शन नंबर सी। अर्चना, साक्षी, प्रांजलि, सभी का ऑप्शन है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चेक, क्यू एच पी आई है ना, पी कॉमन दिख रहा है, पी से आप बना सकते हो यहीं के यहीं डी, और डी लेस देन इक्वल टू आर,
ये लो, यहीं के यहीं ड्रॉ कर दिया हमने, है ना। अब ये हटा सकते हो आप यहाँ से। पहला कंफ्यूजन क्या बोलता है, आर लेस देन आई, तो फटाफट देख लो भाई, आर लेस देन आई कहाँ है भाई, ये, और कोई साइन अपोजिट है क्या, नहीं। पहला क्या हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल सही है भाई पहला। दूसरा है क्यू ग्रेटर देन आर, क्यू कहाँ है भाई ये, और आर कहाँ है भाई ये, क्यू ग्रेटर देन आर, है ना, क्यू से ग्रेटर बोल रहा है, और दो साइन ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे भाई, एक ये दूसरा ये साइन, ठीक है। और जैसे ही अपोजिट होंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट ट्रू इज योर परफेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए पांच क्वेश्चन हो गए भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, एजे डी, साक्षी डी, सरोजनी डी, आकांक्षा डी, सरोजनी ने बी, आकांक्षा डी, अलग अलग ऑप्शन हो गए भाई, कोई एक तो गड़बड़ है। चलिए मेरी बारी आ गई, यू ग्रेटर देन आर, यू कहाँ है भाई ये, आर कहाँ है भाई ये, दो साइन अपोजिट दिख गए, फॉल्स। यू और आर के बीच में देखिए दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिखे, सीधा आंख बंद करो और उड़ा दो, वो जिंदगी में कभी भी ट्रू नहीं होगा। दूसरा पी से बी, वेयर इज पी, वेयर इज बी, पी और बी के बीच में भी दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख गए, ये भी क्या हो गया भाई, फॉल्स। अब यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। जिन्होंने भी गड़बड़ किया था वो समझ गए होंगे शायद, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट कर दिए, अब आई क्वेश्चन नंबर सेवन की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन, है ना, ये सभी क्लेरिकल लेवल के क्वेश्चन है और भाई, है ना, क्योंकि पीओ में कॉमा वाले आते हैं। सरोजनी ए, सोनम ए, आकांक्षा ए, साक्षी ए, एजे ए, प्रज्ञा ए, अर्चना भी ए। चलिए लाइन से सभी ने एक ही ऑप्शन लगाया है, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं भाई, बी लेस देन एन, बिल्कुल सही है भाई, ये देखिए एक ही साइन काफी है इसे सही कराने के लिए। दूसरा एन ग्रेटर देन इक्वल टू आई, एन कहाँ है भाई और आई कहाँ है भाई, एन, ये देखिए दो साइन अपोजिट दिखे, कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करो, उड़ा दो, फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही ऑप्शन था भाई, सभी ने बिल्कुल सही किया है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके, चलेगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर एट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, हाँ भाई लगाएंगे आंसर, सरोजनी ए, सोनम ए, प्रिया ए, सब कर ले रहे हैं भाई फटाफट, है ना, देख रहा हूं मैं, बढ़िया प्रैक्टिस है सभी की। चलिए मैं देख लेता हूँ, क्योंकि एक भी आदमी का आंसर बदल नहीं रहा है, सब बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, क्लेरिकल की अच्छी तैयारी है। सी लेस देन आई, सी से आई की तरफ चलते हैं भाई, ये लो
सी लेस देन आई, ये क्या हो जाएगा ट्रू। दूसरा एस ग्रेटर देन एन, एस ग्रेटर देन एन, दो साइन अपोजिट दिख गए, क्या हो जाएगा फॉल्स, है ना, ये हो गया फॉल्स। ओनली फर्स्ट फॉलो कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर ए। यदि इसी में देखो थोड़ा सा इसे मुश्किल बनाया जाए, अब क्या आएगा आंसर बता सकते हैं भाई। यहाँ इन्हें दोनों को हटा देता हूँ, दो कंफ्यूजन दूसरे लिखता हूँ, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस, और दूसरा दिया है एन लेस देन एस। अब क्या आंसर आएगा भाई, जरा फटाफट आंसर करें। बहुत बढ़िया भाई, सरोजनी साक्षी मैडम, गड़बड़ हो गया मामला, साक्षी मैडम ने किया गलत। सोनम प्रज्ञा प्रांजलि, दे ऑल आर करेक्ट, है ना, एक ही ने गड़बड़ किया, क्या नाम था, साक्षी साइन। और बाकी लोग भाई, चलिए देखिए इस बार बहुत बढ़िया आंसर किया, यहाँ आएगा आइदर और, है ना, इसीलिए मैंने दिया क्योंकि बहुत देर से आइदर आया भी नहीं था, और मैं यही चेक करना चाहता था कि आइदर में तो नहीं फंसते कहीं आप, है ना, और एक बच्चा बस फंसा, बाकी सबने बहुत अच्छा किया, है ना भाई, गुड। और वो एक देखे भाई जो भी है, एन से एस की बात हुई है ना, एन से एस, ठीक, ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल सही, यहाँ भी एन से एस की बात हुई, ये भी रॉन्ग, लेकिन आप दोनों को रॉन्ग नहीं कर सकते, जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया था आप दोनों को रॉन्ग कैसे कर सकते हो। उसने बोला एन ग्रेटर देन एस, आपने कहा ना फॉल्स, उसने बोला एन इक्वल टू एस, आपने कहा ना फॉल्स, उसने कहा एन लेस देन एस, ना फॉल्स, हाउ इज इट पॉसिबल कि एन एस से बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, और छोटा भी नहीं है, भाई कुछ तो होगा, है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं मैं आपसे बड़ा हूं आप कहते हो नहीं, मैं आपके बराबर हूं आप कहते हो नहीं, मैं आपसे छोटा हूं फिर आप कहते हो नहीं, अरे भाई मैं हूं भी कि नहीं, कोई एक चीज तो होगी, या तो मैं बड़ा होऊंगा या बराबर होऊंगा या तो छोटा होऊंगा, है ना, लेकिन ना मैंने ना आपके किसी को अपनी एज बताई है, तो इसलिए कोई ये बता नहीं सकता कि कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन हर कोई आंसर में क्या कहेगा कि सर जो आप तीन बातें बोल रहे हैं इनमें से कोई एक तो फॉलो करती है, या तो आप बड़े होंगे या बराबर होंगे या तो छोटे होंगे, सेम में सही है कि एन एस से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और या तो छोटा होगा, कोई एक बात तो सच होगी, लेकिन हम भी नहीं बता सकते विच वन इज ट्रू, तो हम भी वहां क्या लगाते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, क्लियर। चलिए भाई बहुत बढ़िया किया, जिन लोगों ने भी किया बहुत अच्छा लगा मुझे, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लेते हैं जरा, हाँ भाई क्या आंसर आएगा जरा बताएंगे, कंफ्यूजन ये तो लिखे हैं मैंने, है ना, फटाफट देंगे भाई आंसर सभी, स्टेटमेंट वही है। सरोजनी डी, सोनम सी, प्रांजल डी, प्रिया, प्रांजल सरोजनी प्रिया, डू पास, सभी आंसर करेंगे। आकांक्षा, प्रांजल सरोजनी प्रिया आकांक्षा, चलिए ये चार लोग गड़बड़ है भाई, कौन कौन, नाम लेता हूं, प्रांजल सरोजनी प्रिया और आकांक्षा, क्योंकि इन्होंने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, और ये है उनके लिए रॉन्ग आंसर, यही तो मैं देखना चाहता था कि पीओ का कितना तैयारी है ना, क्लेरिकल में तो हर बॉल पे हिट मार रहे थे सिक्स, लेकिन इस बार चार फंसे हैं भाई, चारों कैंडिडेट ध्यान देंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, है ना, एक 2016 दो क्वेश्चन आए थे बिल्कुल सेम ऐसे ही एसबीआई, ठीक है, ध्यान से आप गूगल पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल तभी आया था ऐसा, क्या चीज थी कि यहाँ अब उनको लग रहा था कि वर्डिंग अलग अलग है ना,
क्या होता है कि सबने याद किए होंगे कि तीन नियमों पे आइदर के लिए थ्री रूल्स, कौन कौन सा, वर्डिंग कॉमन होती है, दूसरा इंडिविजुअल फॉल्स होते हैं, तीसरा ऑल साइन अवेलेबिलिटी होती है ना, कौन कौन से तीनों तरीके के साइन आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखो ये तो ठीक है, तीनों साइन है, ये भी है, ये भी है, इक्वल भी है, इंडिविजुअली फॉल्स भी है, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन वर्डिंग कॉमन नहीं है बच्चों को लग रहा है। ये चार बच्चों को तो खासतौर से लग रहा है भाई वर्डिंग कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वर्डिंग कॉमन है। कैसे? क्योंकि आई इक्वल टू क्या है, चारों बच्चे विशेष ध्यान देंगे भाई, आई इक्वल टू क्या है, एन। तो मतलब जो आई है वही एन है, ठीक है ना, जो आई है वही एन है, तो आई और एन में कोई भी फर्क नहीं है, है ना, जो ये है वही ये है, और जो इसके लिए नियम लागू हो रहा है वो इसके लिए भी, ये दोनों एक ही है यहाँ। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो आई यहाँ भी कह सकते हो कि आई लेस देन एस, है ना, और ये दोनों का फॉल्स नहीं कर सकते आप, वही चीज जो पिछली बार आपको बताया था कि दोनों में से कोई एक चीज तो ट्रू होगी, और ये आई और एन एक ही है, ये याद रखना। क्लियर? क्या चारों लोगों को समझ में आ गया? हम सब दिखा दें कि क्यों गड़बड़ हुआ उनका। ओके, प्रिया, सरोजनी, प्रांजल एंड वेयर इज, एक और कौन है, चार बच्चे थे, आकांक्षा, ठीक 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 ठीक, गुड गुड गुड, चलो बढ़िया, गलती करो एक नहीं हजार करो, लेकिन उस गलती को दोबारा मत करो, चलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या इधर ही थोड़ा और कुछ और सीख ले, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी इजी थे मैंने देखे। ये लो भाई, ये कंक्लूजन हटा दिए, कंक्लूजन अलग से है, सभी देख रहे हैं स्टेटमेंट कॉमन है, और यहाँ स्टेटमेंट आया है ए ग्रेटर देन बी, और दूसरा आया है ए लेस देन बी। ये लो भाई, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। आंसर करें भाई फटाफट। कोई भी आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? सबसे पहला है निशा, निशा साक्षी, दो लोगों के आंसर मिले भाई। वेयर इज अदर भाई, बाकी कहाँ गए? अर्चना, निशा साक्षी अर्चना, प्रांजलि, चलिए मेरी बारी आ गई। बड़े कम लोगों ने आंसर किए, यहाँ आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो भाई। बच्चों को लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट में तो आई एन डी एफ सी एस इतने दिए, ये छोड़ के कंक्लूजन ए और बी में कहाँ से उठा लाए भाई आप, ये तो स्टेटमेंट में दिए ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत दिए रहने दो, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं भाई, आई बी पी एस ने ही दिए हैं, स्टेटमेंट अलग दिया है, कंक्लूजन अलग दिया है, बिल्कुल चिंता फिक्र की बात नहीं है, आपको वहां किसी को पूछने बताने की जरूरत नहीं है, कि नहीं तो उसको बुलाने लगा वो एग्जामिनर वाले को, है ना, एग्जामिनर को नहीं बुलाने लगना कि भाई मेरे में मिसप्रिंट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मिसप्रिंट नहीं हुआ है, चार बार चेक होके आपके पास तक आया है, बिल्कुल सही आया है, जानबूझ के दिया है आपने, क्या कर देना भाई,
आपके स्टेटमेंट में आपका कंक्लूजन मैच नहीं कर रहा है, कोई चिंता फर्क की बात नहीं, फॉल्स। ठीक, समझ गए होंगे सभी, पहला भी फॉल्स दूसरा भी फॉल्स। लेकिन एक बात को और याद रखना है, अब भी मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी, अब आंसर बदल जाएगा। जानते हो अब आंसर क्या आएगा भाई? अब आंसर आएगा आपका इधर और। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अब आपके वो नियम फॉलो हो गए जो आइदर और के लिए लगाए जाते हैं। कौन कौन से? कि पहला वर्डिंग कॉमन, दूसरा इंडिविजुअली फॉल्स, तीसरा ऑल साइन अवेलेबिलिटी, है ना। ये तीनों नियम जहां फॉलो करेंगे तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ता है? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर है क्या भाई? बिल्कुल क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े ना भाई। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया ना? किसी का कोई क्वेश्चन लिखे भाई फटाफट। ओके, थम्स अप दिख गए, मतलब समझ गया मैं, चलेगा, है ना। ये आपके इसमें था नहीं सीट में, लेकिन मुझे लगा आप तक पहुंचाने चाहिए, तो इन चीजों को पहुंचा दिया मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब भाई फटाफट करें। नाभा ए, एजे ए, एजे बी, आकांक्षा बी, सोनम ए, अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, क्या बात है। कुछ का ए कुछ का बी। चलिए चेक कर लेते हैं भाई फटाफट, है ना। टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, टी से एम पे जाएंगे, 100 का साइन है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा ई लेस देन एस, ई लेस देन एस, ये हो जाएगा ट्रू। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर भाई। जिन्होंने भी गड़बड़ लगाया है ध्यान देंगे, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं भाई, है ना, ये बहुत बेसिक चीज है। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, डू फास्ट, साक्षी ई, सरोजनी ई, प्रज्ञा ई, एजे ई, नाभा ई, निशा निशा ई। चलिए ज्यादातर का ई आया, चेक कर लेते हैं। यू ग्रेटर देन टी, यू से टी, जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा ओ ग्रेटर देन एफ, ओ ग्रेटर, ये भी सही है भाई। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, डू फास्ट, आंसर वाया मैसेज, साक्षी ए, एजे ए, सरोजनी ए, प्रज्ञा ए। चलिए ज्यादातर का ए है, चेक करते हैं भाई। टी ग्रेटर देन एम, अब ए टी बी एस दिया हुआ है, तो ए से यहाँ कॉमन कर दो सबको फटाफट। ए लेस देन टी, टी इक्वल टू बी, और बी ग्रेटर देन एल, ये दो ऐसा बनेगा भाई, है ना। पूरा कॉमा के बाद की चीज को उठा के हम यहाँ ले आए, T greater than M बोलता है, तो T कहाँ है भाई? ये है ना, और M कहाँ है भाई? T greater than M, पहला true, क्योंकि ये साइन काफी है उसे true कराने के लिए। दूसरा E less than equal to B, E से less than equal to B, okay, ये हो जाएगा false, क्योंकि एक साइन उनके बीच में greater का है ना,
बी के लिए। तो यहाँ आंसर क्या आएगा भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो चलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, ये सामने दिया है, फटाफट आंसर करें। साक्षी बी, सोनम बी, सरोजनी बी, प्रिया बी, अर्चना बी, आकांक्षा बी, निशा बी, यू ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन एफ इक्वल टू आई। अब क्या कॉमन है भाई, टी ई एन एम, टी दिख रहा है ना, तो टी लेस देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू एन इक्वल टू एम, टी लेस देन इक्वल टू एन, टी लेस देन इक्वल टू एन, कहा भाई टी से एन, ये लो भाई दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, क्या हो गया फॉल्स। फिर ई ग्रेटर देन यू, ई ग्रेटर देन यू, ये क्या हो जाएगा भाई ट्रू। आंसर क्या आएगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ठीक चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 तेजी से करेंगे भाई सभी। चलिए मैं कर देता हूँ सॉल्व। डी से किसकी बात करी, ई से वाई है ना, यू दिया है तो यू से यही, ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, एक ही यू हो जाएगा, बिल्कुल वही वही है ना। तो डी ग्रेट ई लेस देन इक्वल टू वाई, ई से वाई पे चले जाओ भाई, ई से वाई पे गए, ये बिल्कुल ट्रू। के लेस देन डी, के लेस देन डी, ये भी ट्रू, के लेस देन यू है भाई, के लेस देन यू, ये भी ट्रू हो जाएगा है ना। बहुत कंफ्यूजन, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये हो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने भाई। सोनम बी, साक्षी बीबी, प्रिया बीबी, चले मेरी बारी आ गई। आई जी एल एच, आई कॉमन दिख रहा है ना, तो यहां से बनाएंगे आई इक्वल टू जी लेस देन एल और ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एम लेस देन इक्वल टू जी, एम लेस देन इक्वल टू जी, डेफिनेटली ट्रू, और सी ग्रेटर देन एल, सी ग्रेटर देन एल, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। ओह रॉन्ग, सॉरी सॉरी, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट है भाई, यहाँ ये हो जाएगा फॉल्स, ओनली फर्स्ट ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है।
आकांक्षा डी, प्रिया डी, प्रांजल डी, सरोजनी डी, एजे डी, साक्षी डी, चलिए ई ग्रेटर देन बी, ई से बी की बात करें दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं फॉल्स, दूसरा एन लेस देन ए, एन लेस देन ए दो साइन अपोजिट दिख रहे हैं ये भी फॉल्स, ठीक तो आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज, सोनम डी, चलिए मेरी बारी आ गई, क्या बोलता है भाई, ओ लेस देन ए, ओ से ए पे गए अपन, जी हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा टी ग्रेटर देन क्यू, टी ग्रेटर देन क्यू ये भी सही है भाई, है ना, आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ई दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई, है ना, आया नंबर क्वेश्चन नंबर 18, ये लीजिए डू फास्ट, तेजी से करें सभी, एजे सी, सरोजनी भी सी, साक्षी भी सी, प्रांजल भी सी, प्रांजली ओके, ए इक्वल टू सी फॉल्स, इतने सारे साइन है तो इक्वल वाला तो कभी सही होगा ही नहीं, है ना, और दूसरा एल ग्रेटर देन सी, एल ग्रेटर देन सी ओके ये भी फॉल्स, लेकिन आप दोनों को फॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में यही दो साइन है, है ना, तो ये आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी दैट्स योर परफेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि वही आइदर वाले नियम लग रहे हैं, वर्डिंग कॉमन है, उनके बीच के सारे साइन अवेलेबल हैं और इंडिविजुअली फॉल्स हैं, और जब ये तीनों चीजें जहां कहीं भी आती तो वहां क्या आता भाई, आइदर, ओके चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, आकांक्षा बी, साक्षी बी, सरोजनी बी, एजे बी, अर्चना बी बी, चलिए मेरी बारी आ गई, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू ई फॉल्स, वाई क्योंकि बड़ा वाला साइन अवेलेबल है ओ से ई के बीच में, एस लेस देन ओ जी हाँ ट्रू, क्योंकि ये देखिए ये साइन काफी है एस को लेस देन बताने के लिए, है ना, तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी दैट्स योर परफेक्ट आंसर, ठीक, ज्यादातर लोग भी सही आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, शाबाश वेल डन, आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म, क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ओके एजे ई, साक्षी ई,
यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ट्रू। दूसरा एस ग्रेटर देन एल, एस ग्रेटर देन एल, दो साइन एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। ये आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, कहां दिया भाई, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई, है ना। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। अब भाई आंसर नहीं आए, क्या बात है। अब आया भाई आकांक्षा ए। अर्चना भी ए। चलिए देख लेते हैं भाई। ओके, यहां देखिए क्या एक्स कॉमन था, एक्स ग्रेटर देन वी था, तो यहाँ बना दो भाई, ये बी और बी ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन बी नहीं है, बी तो लेस देन है। ओके, एक्स ग्रेटर देन बी, ओके, वी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ठीक है भाई। पहला पूछा है पी ग्रेटर देन बी, पी क्या बड़ा है बी से, जी हाँ बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पी से बी के बीच में देखिए ग्रेटर का साइन अवेलेबल है और एक साइन भी है, तो उसे बड़ा कराने के लिए काफी है। और दूसरा जी लेस देन जेड, तो जी का है हमारा ये और जेड का है हमारा ये भी क्या हो जाएगा भाई, जी लेस देन, ये भी ट्रू। ओके एक मिनट रुकिएगा, ये साइन और ये साइन यहाँ आके क्या हो जाएंगे भाई, अपोजिट हो जाएंगे, सॉरी फॉल्स, है ना, ऑपोजिट ने चेक किया था, तो ये आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। तो यहाँ आपने अभी कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 21, और आई अब 22 की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ए जे बी, आकांक्षा भी, साक्षी भी, ठीक। चलिए मेरी बारी आ गई। क्या कॉमन है, एच एक्स ओ, एच कॉमन है भाई, एच लेस देन एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू ओ, आई लेस देन इक्वल टू ओ, आई लेस देन इक्वल टू ओ, क्या हो गया, फॉल्स। और दूसरा आई लेस देन ओ, आई लेस देन ओ, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, आई से ओ के बीच में दो साइन है, दोनों के दोनों पी पूछे गए हैं, है ना, तो लेकिन आई से ये वाला साइन ट्रू हो जाएगा भाई, आई का मत लगा देना। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आइदर के चक्कर में मत चले जाना भाई, यहाँ आइदर नहीं आएगा, है ना, नहीं सोचो, वर्डिंग कॉमन है, आइदर लगा दो, कुछ लोग ये गड़बड़ करते हैं, कुछ बच्चे, मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, चलिए, लेकिन आप में से सभी सही थे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई आप सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आएगी क्वेश्चन नंबर 23 की बारी। ये लीजिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई सभी।
चलिए मेरी बारी आ गई। K greater than W, K का W से पूछा है ना, फिर किस तरह लेते हैं ना F का, तो F greater than equal to D और equal to W, यही बना दो भाई, K greater than W क्या हो जाएगा भाई, true। दूसरा D less than L, D less than L भी क्या हो जाएगा भाई, true है ना, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, बोथ ऑप्शन नंबर E, बोथ आर फॉलो, मतलब दोनों के दोनों ही सही हैं, पहला भी सही और दूसरा भी सही, ठीक, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर कितने कंप्लीट होगा, 23, 23 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं है ना, अब क्वेश्चन नंबर किसकी बारी आएगी भाई, क्वेश्चन नंबर 24 की, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, एजेसी सरोजनी सी, प्रज्ञा सी, निशा सी, साक्षी सी, आकांक्षा सी, चलिए चेक करते हैं भाई फटाफट जरा, जेड से एम, एम से जेड, यहाँ देखिए वैसे भी आप सोचो तो आप यहाँ आइदर और पे जा सकते हो, यहाँ से वर्डिंग कॉमन है, पहले ही 90% समझ जाया करो, आई इधर आने की संभावना है ना, फिर एक बार एम को बड़ा बोला, एक बार एम को छोटा बोला और एक बार एम को इक्वल बोला, जब ये तीनों चीजें आ गई तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, आई इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, कितना आसान रहता भाई है ना, इसीलिए बोलते हैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जो है आप सिलॉग से भी जल्दी कर सकते हो है ना, सबसे जल्दी कर सकते हो, रीजनिंग में सबसे तेज कोई क्वेश्चन किए जा सकते हैं इनइक्वालिटी के, यहाँ टाइम आप बचा सकते हो, कोशिश किया करो यहाँ ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाओ है ना, बिल्कुल 10 सेकंड में मार दिया करो आंसर, यहाँ तभी वो टाइम बचेगा और आपको किस में काम आएगा, वो पजल में, सिटिंग में है ना, इन चीजों में काम आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ द डे 25, फटाफट लगाएं भाई आंसर, एजेई सरोजनी ई, ई ज्यादातर का ई एच है, चेक कर लेते हैं, वाई लेस देन डब्ल्यू, वाई लेस देन डब्ल्यू, बी से है वाई का रिलेशन है ना, वाई क्या दिया भाई, वाई लेस देन डब्ल्यू, वाई लेस देन डब्ल्यू, अच्छा दोनों नहीं, वही के वही हो जाएगा भाई है ना, जोड़ने की जरूरत ही नहीं अभी तो, ये क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल ट्रू, दूसरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वाई के साथ है वाई इक्वल टू जे है ना, तो यहाँ हो जाएगा जे ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये भी ट्रू भाई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ई, ठीक ऑप्शन नंबर ई। चले तो आज कितने क्वेश्चन थे, 25, और ये 25 का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, मुझे लगता है कि कैसा रहा सेशन आप जरूर बताएंगे मुझे, चलिए आज के लिए इनफ फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।